आज हम पढ़ेंगे विराम चिन्हों के बारे में कि विराम चिन्ह क्या होते हैं। विराम शब्द का अर्थ होता है रुकना। बातचीत करते समय हम वाक्यों को लगातार नहीं बोलते, बीच में कहीं ना कहीं थोड़ा रुकते हैं या विराम देते हैं। अब प्रश्न उठता है कि बोलने वाला कहाँ कितना रुकता है। रुकते समय वह सामान्य कथन कहता है या प्रश्न पूछता है या आश्चर्य व्यक्त करता है आदि आदि। ये सब विशेषताएं मौखिक भाषा की हैं और इनमें से कुछ भाव भंगिमाओं को लिखित भाषा में व्यक्त करने के लिए कुछ चिन्ह बनाए गए हैं। इन्हीं लिखित चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। तो हम विराम चिन्ह की क्या परिभाषा दे सकते हैं? लिखते समय कुछ स्थानों पर रुककर बोलने के लिए संकेत देने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्हों के प्रयोग से वाक्यों का अर्थ सरलता से समझ में आ जाता है। उदाहरण हम इसके देखेंगे, रोको मत जाने दो। इसको हम कॉमा लगा के बोल सकते हैं, रोको मत जाने दो। तो हमारे पास शब्द वही हैं लेकिन केवल कॉमा लगने से हम इसको बोलने में चेंज करके बोलते हैं, बदल के बोलते हैं, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। ऊपर दिए गए दोनों वाक्य एक ही हैं परंतु अल्प विराम के अलग अलग प्रयोग से दोनों का अर्थ बिल्कुल बदल गया है। विराम चिन्ह के प्रकार, कितने प्रकार के हमारे पास विराम चिन्ह होते हैं? पहला अल्प विराम, दूसरा पूर्ण विराम, तीसरा विस्मय सूचक चिन्ह, चौथा प्रश्न सूचक चिन्ह, पांचवा उद्धरण चिन्ह, छठा निर्देशक चिन्ह, सातवां योजक चिन्ह, आठवां अर्धविराम, नवां लाघव चिन्ह, दसवां कोष्टक, ग्यारहवां विवरण चिन्ह और बारहवां हंस पदक या त्रुटिपूरक। हिंदी व्याकरण में हम इन 12 विराम चिन्हों के बारे में पढ़ते हैं। अब हम इनका एक एक का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। सबसे पहले है हमारे पास अल्प विराम। पढ़ते अथवा बोलते समय जहाँ बहुत कम यानी कि अल्प समय के लिए रुका जाता है वहाँ अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। इसका उदाहरण है रीना, मीना, उषा और रागिनी आपस में सहेलियाँ हैं। इसमें जो आपको लाल रंग से कॉमा दिखाई दे रहा है वो हम अल्प विराम के रूप में बोलते हैं उसको, तो कॉमा हमने इसमें लगाया है। वह बालक वीर, साहसी और पढ़ने में होशियार है, तो इन दोनों शब्दों के बीच में हमने अल्प विराम लगाया है। दूसरा है हमारे पास पूर्ण विराम। पूर्ण विराम क्या होता है? जहाँ वाक्य समाप्त हो जाता है अर्थात कहीं जाने वाली बात पूर्ण हो जाती है वहाँ पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। कहीं जाने वाली बात अगर पूरी हो जाती है तो वहाँ पे पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है, जहाँ पे हमारा वाक्य खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इसका उदाहरण हम पढ़ेंगे, पहला राम स्कूल जाता है पूर्ण विराम, सुधा पुस्तक पढ़ रही है पूर्ण विराम। विस्मय आदि सूचक चिन्ह, शोक, हर्ष, भय, आश्चर्य अथवा विस्मय आदि भावों को व्यक्त करने के लिए विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देखेंगे इसके, अरे यह सब कैसे हो गया, उफ आज तो बहुत गर्मी है, तो लाल रंग से आपको यहाँ पे विराम विस्मय आदि सूचक चिन्ह आपको दिख रहा है, विस्मय सूचक चिन्ह दिख रहा है, तो इसको हम प्रयोग करते हैं शोक, हर्ष, भय, आश्चर्य अथवा विस्मय आदि के भावों को व्यक्त करने के लिए। प्रश्न सूचक चिन्ह जिसको आप बोलते हैं क्वेश्चन मार्क, प्रश्न पूछने के लिए वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। पहला इसका उदाहरण है, क्या आपने भोजन कर लिया है, आप इसमें प्रश्न पूछ रहे हैं। रेडियो का आविष्कार किसने किया, आप इसमें भी प्रश्न पूछ रहे हैं, तो वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उद्धरण चिन्ह किसी अन्य कथन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जिसको आप बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमा। इन्वर्टेड कॉमा वाक्य के आगे और वाक्य के पीछे
दोनों जगह पे लगाया जाता है। इसको याद करने का तरीका है 66 और 99 आपको लिखना होता है वाक्य के आगे या पीछे कॉमा का रूप देकर। तो किसी अन्य के कथन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए, जैसे हमने बोला कि सुभाष चंद्र बोस ने ऐसा कहा है, गांधी जी ने ऐसा कहा है, तो अगर किसी और के वाक्य को हम लिखते हैं तो उसको उद्धरण चिन्ह लगा के लिखते हैं। इसमें पहला उदाहरण है, तुलसी ने कहा था परहित सरिस धर्म नहीं भाई। तो ये वाक्य किसने बोला है? तुलसीदास जी ने कहा है, इसलिए इसको हमने किसमें बंद किया? उद्धरण चिन्ह में। दूसरा उदाहरण है, सुभाष चंद्र बोस ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये वाक्य किसने बोला है? सुभाष चंद्र बोस ने कहा है ये वाक्य, इसलिए हम इसको उद्धरण चिन्ह में बंद करेंगे। निर्देशक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह छोटा डैश होता है का प्रयोग किसी स्थान से पूर्व तथा उदाहरण देने हेतु किया जाता है। माँ ने कहा, फिर निर्देशक चिन्ह, रमेश इधर आकर अपना स्कूल कार्य कर लो। रमेश बोला माँ मैंने अपना कार्य पहले ही कर लिया है। तो किसी भी बात को कहने के लिए हमें निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करना होता है। सातवां है आपके पास योजक चिन्ह। योजक चिन्ह यानी कि निर्देशक चिन्ह का आधा जो हम डैश लगाते हैं वो योजक चिन्ह होता है, दो शब्दों को योग करने वाला, जोड़ने वाला। योजक चिन्ह का प्रयोग शब्द युग्मों के माध्यम से किया जाता है, शब्द युग्म यानी कि शब्दों के जोड़े, जैसे राजा रानी, सुख दुख आदि। आठवां प्रकार है हमारे पास अर्धविराम। जब वाक्यों में पूर्ण विराम से कम तथा अल्प विराम से अधिक समय के लिए रुकना पड़ता है तब उसके लिए अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। एक छोटी बिंदी और एक कॉमा लगा के हम अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। उदाहरण इसका देखेंगे, सूर्य उदय होगा, कमल खिलेगा और उसमें बंद भौरे उड़ जाएंगे, चलना ही जीवन है, रुकना मृत्यु। ऐसे वाक्यों में हम अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। लाघव चिन्ह, लाघव चिन्ह क्या होता है? किसी शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए लाघव चिन्ह, छोटा सा जीरो बनाते हैं, का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देखो इसका, ईसा पूर्व। तो ईसा पूर्व को हम पूरा लिखने की जगह क्या लिखते हैं? ई लाघव चिन्ह, प में ऊ की मात्रा, पू लाघव चिन्ह, तो इसको हम छोटा करके लिखते हैं। भारतीय जनता पार्टी को BJP लिखते हैं तो इसमें भी हम लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। डॉक्टर लिखते हैं तो उसमें ड लिख के और लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। फिर होता है हमारे पास कोष्ठक। कोष्ठक का उपयोग हम प्राय अपनी ओर से किसी शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए करते हैं। कृपण, कंजूस, हमने शब्द लिखा और उसका अर्थ हमने कोष्ठक में लिख दिया से प्राय लोग घृणा करते हैं, तो हमने कृपण का अर्थ इसमें बताया है, कोष्ठक में लिखा है। संजीवनी दुर्लभ, आसानी से न मिलने वाली। दुर्लभ का मतलब क्या होता है? आसानी से न मिलने वाली औषधि है। तो हम शब्दों का अर्थ बताने के लिए हिंदी व्याकरण में कोष्ठक का प्रयोग करते हैं। हंसपद या त्रुटिपूरक, आखिरी हमारे पास विराम चिन्ह है हंसपद या त्रुटिपूरक। दोनों नामों से हमें इसको याद रखना है। लिखते लिखते यदि कोई शब्द बीच में छूट जाए तो जिन दो शब्दों के बीच का छूटा शब्द लिखना हो उनके बीच त्रुटिपूरक चिन्ह लगाकर लिख दिया जाता है। जैसे हम बहुत याद करते हैं तुम्हें लिखना भूल गए, तो बीच में हम इसके त्रुटिपूरक चिन्ह लगाएंगे और ऊपर लिख देंगे तुम्हें। इस तरीके से हम इसका प्रयोग करते हैं। तो विराम चिन्हों का प्रयोग आपको भाषा में करना आना चाहिए ताकि लिखते वक्त भी हम अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकें और शब्दों को सुंदर बना सकें। धन्यवाद।